दीपावली का त्यौहार आने वाला है। मिठाइयों की दुकानों पर तरह तरह की मिठाइयां सज गई हैं, लेकिन इस बार यूपी के कासगंज में जिस मिठाई की चर्चा है वो है 20,000 रुपये प्रति किलो का काजू कलश। आखिर क्या है इस काजू कलश की विशेषता? हमारे साथ मौजूद हैं इस मिठाई को बनाने वाले रोशनलाल स्वीट्स के रजत माहेश्वरी जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस मिठाई की विशेषता के बारे में। सर, काजू कलश नाम है इसका, हालांकि नाम तो बहुत सुना है, लेकिन 20,000 रुपये प्रति किलो की जो मिठाई, आखिर ऐसी क्या विशेषता है इस मिठाई की? सर, ये जो काजू कलश है, ये जो नॉर्मल काजू कलश बनता है उससे काफ़ी अलग चीज़ों का इस्तेमाल करके बना हुआ है। और सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है कि इस पर हमने जो वर्क लगाया है वो 100% 24 कैरेट गोल्ड वर्क है, 100% एडिबल। और इसके अंदर जो हमने फिलिंग की हुई है, जो इसके अंदर हमने मटेरियल की यूज़ किया हुआ है, वो इसके अंदर चिलगोज़ा, पिस्ता और केसर, इन तीनों चीज़ों को शहद के साथ मिला करके इसके अंदर हमने भरा है। तो इसका जो स्वाद है पहले तो वो अलग हो जाएगा। ये सोने का जो वर्क है ये इसे ज़्यादा महंगा कर देता है, जिसकी वजह से इसकी ये कीमत है। और ये देखने में जो अट्रैक्शन है वो उस बात की विशेष है। ये आप इसको, ये आप देखें कि ऊपर तक बिल्कुल हमने इसके ऊपर बिल्कुल केसर लगा करके इसको बहुत अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की है। बाकी आप इस कलश को खुद खा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये देखिए सर। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि वो दिखाएं इस काजू कलश की विशेषता। देखिए, इसके अंदर जो है चिलगोज़ा है और क्या बताया आपने? पिस्ता है, चिलगोज़ा और पेशोरी पिस्ता इसके अंदर हमने फिल किया हुआ है। और अब आप बाकी इसको खा के बताएं कि चलिए देखते हैं इस काजू कलश से अलग है। इस काजू कलश को जो 20,000 रुपये प्रति किलो की मिठाई है, सोने का वर्क है, आइए इसको खाकर देखते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या स्वाद है इसका। थोड़ा इसको तोड़ने में सहयोग कीजिएगा। केसर भरपूर स्वाद दे रही है इसके अंदर, केसर आपको भरपूर स्वाद देगी और नॉर्मल कलश से आपको एक अलग स्वाद देखने को मिलेगा इसके अंदर। निश्चित तौर पर कई बार काजू का कलश खाया है, अमूमन चांदी का वर्क होता है, लेकिन चिलगोज़ा भी अंदर नहीं भरा होता है और भी कई चीज़ें हैं जो इसमें नहीं भरी होती हैं। और सोने का वर्ग अपने आप में, जो कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा, वो काम कर रहा है और एकदम अलग स्वाद बन के आ रहा है इस सोने के वर्क वाले काजू कलश का। और संभवतः इसीलिए ये काजू कलश की जो मिठाई है वो 20,000 रुपये प्रति किलो की है और पूरे कासगंज भर में ही नहीं बल्कि आसपास के ज़िलों में भी चर्चा का विषय बनी हुई है। तो आपके मन में ये कैसे आया कि तैयार की जाए? सर, इससे पहले हमने कभी सोने के वर्क के बारे में सुना था कि पहले राजा महाराजा लोग सोने का वर्क भी खाया करते थे और इस्तेमाल में लिया जाता था सोने का वर्क। तो मैंने अपने जो हमारे एक वेंडर हैं, काफ़ी दूर अहमदाबाद गुजरात में हैं, उनसे हमने पूछा, हमने कहा कि भाई आप सोने का वर्क भी बना रहे हैं? और ये चलन अहमदाबाद में, आगरा में और आसपास के बड़े ज़िलों में काफ़ी है, लेकिन कासगंज में इसका एक्सपेरिमेंट करना और इस लेवल की मिठाई को बेचना एक, मैं मानता हूँ, चैलेंज है। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि बहुत ज़्यादा सेल इसकी नहीं आनी है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन, एक नयापन और एक ऐसा काम जो शायद कोई नहीं कर रहा, मुझे वो काम करने में अच्छा लगता है, तो मैं इसीलिए इस काम को कर रहा हूँ। रोशनलाल स्वीट्स के रजत माहेश्वरी जी एक्सपेरिमेंट के लिए जाने जाते हैं और प्रतिवर्ष कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस बार उन्होंने सोने की बर्क लगी जो है काजू कलश का एक्सपेरिमेंट किया है। अब लोगों को कितना भाता है, हालांकि चर्चा पहले से शुरू हो गई है और इसी के चर्चा सुन के ईटीवी भारत आज इनके पास पहुंचा। अब देखने वाली बात है कि जो स्वाद जिसकी वो बात कर रहे हैं वो कासगंज के लोगों की ज़ुबान पर कितना चढ़ता है, ये देखने वाली बात होगी। कासगंज से ईटीवी भारत के लिए मैं प्रशांत शर्मा।